कांग्रेस की न्याय पदयात्रा की शुक्रवार को बलौदा बाजार से शुरुआत हुई। पदयात्रा पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, उसके लिए पछतावा होना चाहिए। इस यात्रा में उन्हें अन्याय का हिसाब देना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एसपी वर्ग के छात्रों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। पीएससी के घोटाले में पूरी सरकार इन्वॉल्व थी। लोग भूले नहीं है कि किस तरह से गरीबों को आवास से वंचित रखा गया, क्योंकि उनके चेहरे नहीं चमक रहे थे। पिछली सरकार शराब घोटाले में संलिप्त रही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भगवान के नाम पर महादेव सट्टा ऐप बनाया, जिसमें तत्कालीन सरकार के मुखिया इन्वॉल्व थे। पूरे छत्तीसगढ़ को करप्शन का बाजार बना रखा था। इसके अलावा उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री के करीबी पर दर्ज एफआईआर पर उन्होंने कहा कि गुरुजी शिष्य को समझाने गए थे, अब गुरुजी जेल के रास्ते में हैं, तो शिष्य भी जेल के रास्ते में जाएंगे। कांग्रेस देश के साथ जितना अन्याय किया है, उनको उन अन्याय का हिसाब देना चाहिए। खास करके छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से एससी वर्ग के छात्रों को नंग धन प्रदर्शन करना पड़ा, वो दिन भूला नहीं। किस प्रकार से पीएससी के घोटाले में पूरा सरकार इन्वॉल्व है, लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को केवल अपना चेहरा नहीं चमक रहा था, इसलिए गरीबों का आवास छीनने का काम गुनाह किसी ने किया तो वही कांग्रेस की सरकार ने किया। किस प्रकार से शराब घोटाले में सरकार पूरी तरह से संलिप्त नजर आई। भगवान के नाम पर जिस प्रकार से महादेव ऐप बनाकर किस प्रकार से सरकार का मुखिया, उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के जो नेता थे, वो खुद उसमें इन्वॉल्व थे। पूरी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में करप्शन का बाजार बनाया हुआ था। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उनको इसके लिए पछतावा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके अन्यायों का हिसाब उनको इस यात्रा के क्रम में देना चाहिए। एक नई एफआईआर एसीबी ने की है शराब घोटाले झारखंड मामले में। देखिए, गुरु जी गए थे शिष्य को समझाने के लिए, तो गुरु जी अब जेल के रास्ते में है, तो शिष्य भी जेल के रास्ते में जाएंगे। धन्यवाद।